तो रुक करते तमाम बड़ी खबरों के साथ, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के एक रहस्यमय घर में पहुंचे जो पिछले एक महीने से दहशत के साए में जी रहा है। तो आपको बता दें कि इस घर में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं घट रही हैं। अखबारों और मीडिया में खबरें सुनने के बाद कमिश्नर दीपक रावत भी इस रहस्यमय घर में पहुंचे और घर के लोगों से पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। तो हल्द्वानी शहर के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रहस्यमय आग के लिए पहेली बनी हुई है। घर में बिजली के कनेक्शन काटने के बावजूद भी घर में जगह जगह बार बार आग लग रही है। ऐसे में परिवार पूरी रात सो नहीं पा रहा है। पूरे मामले में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन इस रहस्यमय लगने वाली आग की जांच में जुटा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद उनके बिजली के बोर्ड में अचानक से आग लग गई। आनन फानन में परिवार के सदस्यों ने विद्युत विभाग को बुलाकर घर का कनेक्शन कटवा दिया, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद भी घर में लगे जगह जगह प्लास्टिक के बिजली के बोर्ड और तार फिर से अचानक से जलने लगे। अब इस घटना की शिकायत मिलने के बाद खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूरे घर का स्थलीय निरीक्षण किया और परिवार के लोगों से बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि घर में आग लगने के कारणों को तलाशा जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मल्ला गोरखपुर में जो SBI तिराहा है उसके बगल में जो नहर बहती है वहाँ पे ये घर लोकेटेड है, और मुझे भी पहले ये मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पे कुछ विचित्र तरीके से, पहले तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ये जला, बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया गया उसके बाद घर में जो रैंडम प्लास्टिक का सामान है, जैसे कि कुर्सी है या फिर कुछ कपड़े हैं, रैंडम तरीके से चीज़ें जली हैं। अभी जो फॉरेंसिक की टीम है उनको कहा है कि जो चीज़ें जली हैं उनके ये लोग सैंपल्स एक बार लैब में दिखवा लें क्या?